अरे अत्याचार तो सबके साथ हो रहे हैं भाई, खाली आदिवासियों के साथ नहीं हो रहे, पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, हमारी स्टेट जो है कुपोषण में नंबर वन है, महिला अत्याचार में नंबर वन है, आप देखो हर चीज में नंबर वन है। रोड रोड अभी मैं आज रोड से आ रहा था, मेरे को बोला क्या था आपकी रोड वाशिंगटन जैसी है, वो तो वहाँ चल मैंने हमारी गाड़ी नहीं चल पा रही थी। मतलब कैसी रोड है आपकी, मैंने आज समझ आया कि अरे ये कौन सी सदी है, हम 21वीं सदी में आ गए हैं और अब तो चीजें बदलनी चाहिए। इसी बारे ये बदलाव का वक्त आ गया मध्य प्रदेश में। 18 साल की एंटी इनकमेंसी बीजेपी को खा रही है इस बार। और आपको याद होगा शीला दीक्षित जी 15 साल की एंटी इनकमेंसी थी और उन्होंने अच्छा काम किया था, पूरी दिल्ली उनकी तारीफ करता था और वो नहीं जीत पाई थी, इनको तो कोई तारीफ भी नहीं कर रहा है। तो अब ये आप सोच लो 18 साल की एंटी इनकमेंसी और कोई तारीफ नहीं कर रहा है तो रिजल्ट क्या होगा। वो तो पहले एक तो उनकी पहली बात तो डिस्क्वालिफिकेशन होना नहीं चाहिए था मेरे ओपिनियन में, जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट है वो गलत है। बिकॉज उस आज तक आईपीसी के 150 पौने 200 साल के इतिहास में किसी को 2 साल की सजा हुई नहीं है। अरे एक दिन की सजा होती है, 2 दिन की सजा होती है, 50 रुपए जुर्माना होता है। ये पहली बार 2 साल की सजा हुई जो मैक्सिमम सजा है, बेलेबल कंपाउंडेबल ऑफेंस है जिसमें नॉन कॉग्निजेबल है, उसमें आप 2 साल की सजा दे रहे हो, मैक्सिमम सजा दे रहे हो, पहली बार दे रहे हो। तो राहुल जी ने ऐसा कौन सा अपराध किया था एक्सेप्ट उन्होंने एक पब्लिक स्पीच में मोदी जी को क्रिटिसाइज किया था। आप ये बताइए अगर प्रजातंत्र में हम अपने अपने विपक्षी दलों को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे क्या उनकी तारीफ करेंगे, और उसमें क्या लीडर्स को जेल भेजा जाएगा, ये प्रजातंत्र नहीं हो सकता। अगर ये मेरे ओपिनियन में राहुल जी को इस प्रकार से प्रताड़ित करके बाहर रखना संविधान के विपरीत था, संविधान की मंशा के विपरीत था। मेरे ओपिनियन में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उनको तुरंत बाहर हो जाएंगे, और नहीं होंगे तो सुप्रीम कोर्ट खुद कॉग्निजेंस लेगा उस बात की, और वो अब आई डोंट थिंक वो ऐसा कुछ होगा। नहीं समय लगने का सवाल ही नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि उनका हक है पार्लियामेंट को अटेंड करना, दैट इज व्हाई आई एम स्टे दे रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर सरकार है?